कोनिचीवा एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से विद वायु लंदन। तो अभी क्या देख रहे थे आप, कढ़ाई में क्या था? वो था मुठिया के लड्डू। आप उसको मुठिया के लड्डू भी बोल सकते हैं, चूरमा भी बोल सकते हैं, जो कि मेरी मम्मी बनाती थी होली पर। ये मेरी मम्मी की डिश है, दिस डिश बाय माय मॉम। अगर देखेंगी तो समझ जाएंगी आज कितनी मुठिया के लड्डू बना रही है। तो मैंने अभी यूट्यूब किया चूरमा की रेसिपी क्योंकि आज वायु का है डिनर। आज वायु जा रहा है डिनर पार्टी पे। मम्मा का फेवरेट डिनर बन रहा है लेकिन पार्टी है वायु स्पेशल। तो हाँ, तो उस पार्टी में ना चूरमा का होना सोने पर सुहागा कर देगा, आइसिंग ऑन द केक कर देगा। तो वही मैं बनाने जा रही थी। हाँ, तो मैंने यूट्यूब किया चूरमा, तो चूरमे में मेरी मम्मी जो मुठिया के लड्डू बनाती थी वही रेसिपी निकल के आई। तो मैंने कहा वाओ, ये तो मुझे आता है। तो बस वही बना रही हूँ और मेरी फुल रेसिपी आपको मिलेगी मेरे इसी चैनल के शॉर्ट्स वीडियो में। आज मैं जा रही हूँ दाल बाटी चूरमा या चोखा बाटी का डिनर पर जा रही हूँ, तो उसके लिए मैं चूरमा बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को दाल बाटी के साथ खीर बहुत पसंद है, तो खीर भी थोड़ा सा मैं बना रही हूँ। वायु अपनी फुल मस्ती में इस खरगोश की आ जाती है शामत, पूरा तोड़ मरोड़ के रख देता है इसको। वायु ओले भाई, ओले भाई, हाँ। और उधर वायु के पापा अपना घर से ऑफिस करते हुए, आज मंडे है, मंडे को उनका वर्क फ्रॉम होम हो जाता है। और हब्बी ने पहनी है आज बेडशीट से मैचिंग की टी शर्ट। हब्बी प्लीज लुक, ये देखिए जो मैंने अभी सेक कर रखी थी मिठिया, उसको मैंने पहले हाथ से क्रश करके थोड़ा सा रफली तोड़ा, उसके बाद अब मैं उसको मिक्सी में पीस कर एक दरदरा सा पाउडर फॉर्म में बना रही हूँ। पाउडर में इसमें डालती जा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने पूरा वो पीस लिया है बहुत अच्छे से। कुछ इसमें पार्ट्स रह गए, मैंने जानबूझ के छोड़े हैं क्योंकि लड्डू खाते वक्त ऐसा कुछ आता है ना, क्रंची क्रंची, तो मजा आता है। ज्यादा नहीं पीसे, इतना ही पीसता है। तो गाइस ये इतना उससे इसलिए कह रहे हैं कॉन्फिडेंस क्यों बच गए यार। अभी रिस्की हो गया है। तो ये इतना कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ लड्डू एक्सपर्ट हैं। इसी वक्त रुकावट के लिए खेद है, क्यों है, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी जो सासू मॉम है वो लड्डू स्पेशलिस्ट है। मेरे लिए इंडिया से इतने लड्डू आते थे प्रेगनेंसी टाइम में, मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी वरना आपको दिखाऊंगी, 5-5 किलो के डब्बे भर भर के लड्डू आते थे। इसीलिए वायु लड्डू जैसा है। अब इस चीनी को मैं थोड़ा सा मेल्ट कर दूंगी, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो जाए। जैसे ये मेल्ट हो जाएगी मैं वो जो मेरा चूरमा बन के रखा हुआ है उसको इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी काट लेती हूँ और हल्की सी इसमें इलायची पाउडर भी डालूंगी। ये देखिए, हाँ मैंने चीनी को मेल्ट करके हल्का सा और इसमें अपना पाउडर डाल दिया। यहाँ अपने ड्राई फ्रूट्स भी चॉप करने वाली हूँ। वैसे इसमें सिर्फ काजू डलता है और कुछ नहीं डलता है, लेकिन मैं फिर भी डाल दे रही हूँ। मैंने ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं और देखिए एक चीज़ क्या हो गई गड़बड़। मैं जो आपको आइडिया दे रही थी ना कि चीनी ऐसे ऐसे कर लीजिए, मेल्ट कर लीजिए, वो मैंने यूट्यूब से देखा है। मेरी मम्मी मेल्ट नहीं करती थी, मेरी मम्मी बूरा डालती थी, वो डायरेक्ट डाल देती थी। एक तगार होता है, तगार भी डालती थी, वो भी डायरेक्ट डाल देती थी। मैंने यूट्यूब से देख के ऐसे ऐसे कर दिया और देखिए वो जो चीनी थी उसके कैसे कड़क कड़क पार्टिकल्स हो गए। तो ये आप मत करना। और मैं अब ये सारे पार्टिकल्स इसमें से निकाल रही हूँ, जितनी भी मुझे चीनी के ऐसे कड़क कड़क दिख रहे हैं, और डालूंगी ये वाला घी। ये है गोवर्धन घी। एक मिनट, आपसे फ्रंट कैमरा करके मैं बात करती हूँ। लड्डू मतलब घी, जिसमें घी ही ना हो वो लड्डू क्या। तो वैसे तो घर का घी खाना चाहिए, गाय का शुद्ध घी खाना चाहिए, घर का बना हुआ घी खाना चाहिए जो घर के दूध से बनता है, लेकिन वो मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए वैसे रखा हुआ है। अच्छा लेकिन मैं रोटी वोटी पे दाल में डाल के खाती हूँ। तो अगर इनकेस आपके पास नहीं है घर का बना घी तो ये है गोवर्धन घी। ट्रस्ट मी गाइज, ये घी सबसे बेस्ट है। मैंने काफी सारे घी यहाँ पर ट्राई किए हैं,
जिसमें गोवर्धन घी मुझे सबसे बेस्ट लगा। जो जैपनीज लोग जो इंडियन हैं यहाँ पर, आई मीन जो दूसरी कंट्रीज हैं, जो मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, वो ये वाला घी जरूर ट्राई करें, यहाँ पर मिल जाता है और ये सबसे अच्छा घी होता है अगर आपके पास घर का घी नहीं है तो। अभी मैं डाल दूंगी इसमें खूब मजे से घी। तो देखिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर और घी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया, लेकिन ये अभी ना बंधेगा नहीं, तो इसमें है थोड़ा सा ना दूध भी डाल दूंगी। वैसे तो घी और डलता लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, वैसे ही सभी आजकल डाइट कॉन्शियस है मैं खुद, इसलिए मैं ना इसमें थोड़ा दूध डाल के बांध दूंगी। पहले थोड़ा सा अपने हब्बी को चेक कराती हूँ कैसा बनाए। लो चेक करके बताइए, आपकी मम्मी जैसा तो नहीं बना होगा लेकिन फिर भी ये चूरमा होता है, इसको बांध देंगे तो लड्डू हो गया। चम्मच ये चम्मच वायु की है, वायु के पास बहुत सारी। अरे खिलाना, थोड़ा सा खिलाना, ड्राई फ्रूट्स ना हो। कैमरा ऑन है, मुझे कैमरे में ही बताइए रियल रिजल्ट। रुक गया आप जल्दी टेस्ट करके बताइए, मैं लेट हो रहा है। ठीक है, कितने नंबर है? 10 out of 6। तो बहुत ही मेहनत और मशक्कत के बाद मेरे ये लड्डू तैयार हैं। खा लिए, अच्छे लग रहे हैं अब तो, ठीक था टेस्ट? हाँ, तो बहुत अच्छे बन गए हैं। बहुत अच्छे तो मैं नहीं कहूँगी, मेरी मम्मी वाला टेस्ट तो नहीं बन पाया है क्योंकि ये वो बने ही नहीं है। मैंने इसमें बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर दिया लेकिन जो भी बनाया अच्छा लग रहा है। मैं इसको 8 rank करूंगी आउट ऑफ 10। खीर भी यहाँ मेरी बहुत अच्छे से पक रही है। मुझे पर्सनली खीर में ना ड्राई फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते, बस खूब सारा दूध हो और खूब दूध में पक पक के खीर बने, मतलब 1 किलो दूध का 1/2 किलो दूध रह जाए और ड्राई फ्रूट्स कुछ ना हो बस, और चीनी हो, और मुझे खीर में और कुछ पसंद नहीं है। बस खीर बनाना मैंने सीखा है अपनी सिस्टर इन लॉ से। ये है खीर के ड्राई फ्रूट्स, कैसी है? बढ़िया। ये ड्राई फ्रूट्स मैं डाल देती हूँ, बस बन चुकी है इसलिए थोड़ा सा रखी भी गाढ़ी हो जाएगी। करते करते अब मैं थक गई, अब मैं लूंगी थोड़ी सी एनर्जी। अरे ये कैसा है, एप्पल जूस है? ये कैसे कलर का आया है? तो ये है एप्पल जूस, पता नहीं कैसा कलर है इसका। टेस्ट सेम लाइक एप्पी फिज, एप्पी फिज जैसा लग रहा है, सेम।